फाइनल की तैयारी, टॉस की तैयारी। हम शुक्रिया अदा करते हैं मयूर स्पोर्ट्स का, जिन्होंने हमें ये शानदार टी शर्ट फराहम की है दोनों फाइनलिस्ट टीम के लिए। मैं दोनों कप्तान से गुजारिश करूंगा कि वो विकेटों की ओर जाए अपनी टीम को लेकर, मुंबई उर्दू स्कूल और मॉडर्न शिरगांव। अब्बा असलम चाचा, आ जाओ। मैशर फहीम भाई, मुद्दू आप लाइव में देख सकते हैं मयूर स्पोर्ट्स का ये टी शर्ट। हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे गालिब भाई का। माजी दें टीम मैं तमाम मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि वो विकेटों की ओर जाए, वहां पर टॉस होगा, राष्ट्रगीत होगा। अमरोही ग्रुप, कहां गए मेरे ग्रुप? नंदा, अफ्ता, विक्की, शकील भाई, आओ आओ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे मॉडर्न शिरगांव के कप्तान माजिद शेख, उनके बाजू में जली शेख, नाजिम गुल्ली, इमरान, वसीम राजे, औसाफ चुने वाला मुसद्दिक शेख, रियाज, फहीम, रजीब मुल्ला, वकास डांडेकर, अरशद होंडो, ये एक बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट की दुनिया का। मैशर का है, मैशर ठीक है, अजान के वक्त की बात करते हैं। अजान है, अजान ये शिरगांव के नन्हे मुन्ने क्रिकेटर्स आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, यूनिटी ग्रुप की तरफ से मैं आए हुए तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं। हमारे दरमियान यहां शिरगांव ग्राम पंचायत की सरपंच मैडम मौजूद है, साथ ही साथ जिला परिषद साबिक पर जनाब धनश्याम मोरे साहब मौजूद है, साथ ही साथ हमारे दरमियान यहाँ अमरोही रियलिटी के ऑनर्स मौजूद है। मैं यूनिटी ग्रुप की तरफ से उन तमाम इस्तकबाल करता हूँ और साथ ही साथ दोनों टीम मॉडर्न शिरगांव और मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी, इनका भी इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूं थोड़ी देर में जब मुकाबले शुरू हो गए दोनों ही टीम की तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया जाएगा और खेल का मजा दोबाला हो जाएगा। यही यूनिटी ग्रुप का मकसद है, इस मकसद के तहत यूनिटी ग्रुप ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है और यह ढलती हुई शाम के अंदर एक बेहतरीन मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ पर हमारे शिरगांव के क्रिकेट के बहुत बड़े नाम जनाब अल्ताफ चुनेवाला साहब मौजूद है, साथ ही साथ मैंने कई मरतबा ऐसा कहा था और आज मुझे बोलने का मौका मिला कि जिस तरह से आईपीएल हुआ है, अगर ये आईपीएल कुछ साल पहले आता तो मुझे उम्मीद थी और मैं उम्मीद करता था कि अल्ताफ भाई को उसमें खेलने का जरूर मौका मिलता था, जिस तरह आज हमारे माहिम से जो है शार्दुल ठाकुर खेलते हैं। साथ ही साथ एक अजीम नाम हमारे दरमियान मौजूद है जली शेख, जिनके बारे में मेरा ऐसा तासुर था कि वो
आईपीएल के लिए जरूर क्वालिफाई करते थे और उन्होंने कम से कम खलीज में जाके गल्फ में जाके क्रिकेट खेल के दिखाया और हमारे गांव के नाम को चार चांद लगाए। अब थोड़ी देर में इंशाल्लाह यूनिटी ग्रुप की तरफ से जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है फाइनल मुकाबला इंशाल्लाह होगा मॉडर्न शिरगांव के दरमियान और स्कूल अंधेरी के दरमियान होगा। हमारे तमाम मेहमान मौजूद हैं और दो एक मेहमान का इंतजार है, जनाब अयाजुद्दीन शेख तारापुर वाला, उनका इंतजार है। उन्होंने कुछ देर कबल मुझे कॉल किया था और कहा था कि वो ऑन द वे है। आई होप कि वो विद इन 2 या 3 मिनट्स पहुंच जाएंगे क्योंकि वो 4:30 का उन्होंने टाइम दिया था और वो रास्ते ही में है, इंशाल्लाह आ जाएंगे। इस यूनिटी ग्रुप के प्रोग्राम को उस मुकाबले जात को कामयाब बनाने में जो हाथ भार लगा इसको हम कहते हैं सबसे बड़ा जो माली इमदाद की है वो अमरोही ग्रुप ने तो की है, रियलिटी ने तो की है, लेकिन साथ ही साथ हमारे आइनुद्दीन सैयद आइनुद्दीन और महशर शेख, इनका नाम बिल्कुल ऊंचे दर्जे पर रखा जाएगा, आला मकाम पर रखा जाएगा कि जिन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए इस मुकाबले के लिए इन खेलों के लिए मौका लोगों को इनायत किया। और एवन स्पोर्ट्स जो हमारा क्लब है शिरगांव का, जो एक रजिस्टर्ड क्लब है, और MCC के तमाम मेम्बरान, जो साबिक मेम्बरान और आजी मेम्बरान और माजी मेम्बरान, ये तमाम लोगों ने बेहतरीन अंदाज में जो है वो यूनिटी ग्रुप का साथ दिया है। यूनिटी ग्रुप अपने इन तमाम मेहमानान का और इन तमाम मेम्बरान का शुक्रिया अदा करती है कि जिन्होंने खेल को इस उरूज तक पहुंचाने में काम अदा किया है। साथ ही साथ हमारे दरमियान यहाँ मौजूद है अब्दुल लतीफ भाई, हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाए अब्दुल लतीफ भाई। इंशाल्लाह अभी कुछ ही लम्हात में असर की अजान होगी, असर की अजान के बाद राष्ट्रगीत का ऐलान होगा और राष्ट्रगीत के इख्तिताम के बाद जो मुकाबला शुरू किया जाएगा, तो इंशाल्लाह और टॉस भी होगा और टॉस के लिए हमारे मेहमान पहले से मौजूद है, तो अजान के बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम शुरू किया जाएगा।
हम आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले के प्रोग्राम शुरू करें जली शेख को मैं दरखास्त करूंगा वो हाजिर हो जाए, साथ ही अल्ताफ भाई चुने वाला वो यहाँ पर आ जाए। दोनों टीमों से दरखास्त है कि वो लाइनअप में रहे। इंशाल्लाह राष्ट्रगीत होने के बाद जो है प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। टॉस का भी मरहला अभी बाकी है और टॉस भी किया जाएगा और जल्द अज जल्द मुकाबले को शुरू किया जाएगा। कॉमेंट्री बॉक्स से गुजारिश है कि जब सावधान विश्राम का ऑर्डर खत्म हो जाएगा तो राष्ट्रगीत शुरू करने के लिए सब शायकीन से खड़े हो, सब शायकीन खड़े हो जाए। ऑडियंस से उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी जगह पे स्टैंड अप की पोजीशन में रहे, कैप उतार दे, कैप जो है वो हेड डाउन करें। एक साथ विश्राम, एक साथ विश्राम, एक साथ सावधान। राष्ट्रगीत शुरू करेंगे, शुरू कर। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय एक साथ विश्राम। कैप्टन माजी से दरखास्त है कि वो यहाँ पर टॉस के लिए आए और साथ ही साथ जो मुंबई अंधेरी के कैप्टन है स्कूल के वो आए यहाँ पर टॉस होने जा रहा है। अंधेरी ने टॉस जीत लिया है ये और जल्द अज जल्द अपने फैसले से आगाह करें। तमाम शायकीन से गुजारिश है कि ग्राउंड को खाली करें। जल्द ही यूनिटी कप 2021 का फाइनल मैच खेला जाएगा। मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि वो अपना फैसला जल्दी सुनाए। ठीक 5 मिनट में फाइनल मैच की शुरुआत होगी। शायकीन से गुजारिश करूंगा कि वो ग्राउंड को खाली कर दे। 5 ओवर का मुकाबला होगा जिसमें 2 ओवर पावर प्ले कराए जाएंगे। यूनिटी कप 2021 का ये पहले सीजन का ये फाइनल डे और फाइनल डे का फाइनल मुकाबला मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी और मॉडर्न शिरगांव के बीच। दोनों ही टीमों ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है पूरी टूर्नामेंट में। अहमद भाई से गुजारिश करूंगा कि वो अपना फैसला सुनाए। अहमद भाई मुंबई उर्दू स्कूल के कप्तान गेंदबाजी करेंगे तो पहले बल्लेबाजी करना होगा। मॉडर्न शिरगांव के कप्तान अब्दुल माजिद भाई से गुजारिश करूंगा कि अपने ओपनिंग बैट्समैन रेडी रखे। अंपायर से गुजारिश करूंगा कि वो ग्राउंड में दाखिल हो जाए। मेहमानों से भी गुजारिश है को यहां पर सीट पे आकर बैठ जाए। हमारे मेहमानान और हमारे डोनर से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर सीटें रखी हुई है, आप यहाँ पर आकर बैठ जाए।
मुंबई उर्दू स्कूल के कप्तान अपने फैसले से हमें आगाह करें। जल्द से अपनी फील्डिंग सजाए ताकि एक अच्छे और खुशगवार माहौल में यह फाइनल मुकाबला इख्तिताम तक पहुंचे। फाइनल का मुकाबला पांच ओवर का होगा। सपोर्टर से गुजारिश है कि बाउंड्री लाइन के बाहर बैठे प्लीज। एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट आपको इन पांच दिनों में देखने को मिला और अब फाइनल मैच तक यह टूर्नामेंट पहुंचा है। इंशाल्लाह फाइनल मैच भी कामयाबी के साथ होगा। दोनों टीम को इस मैच के लिए बेस्ट ऑफ लक। फाइनल का मुकाबला शुरू होने जा रहा है। पांच ओवर का यह मुकाबला, इसमें दो ओवर पावर प्ले कराया जाएगा। दोनों अंपायर हमारे फारूक शेख साहब और अफवान शेख, दोनों मैदान की ओर जाते हुए। फाइनल का यह मुकाबला, मैं अनुराग से गुजारिश करूंगा कि वो कमेंट्री बॉक्स को कवर करें, हमारे कैमरामैन अनुराग। अंपायर से गुजारिश करूंगा कि वो मैदान में दाखिल हो जाए। फाइनल मुकाबला मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी वर्सेस मॉडर्न शिरगांव। एक बड़ा मैच आपको देखने को मिलेगा दोनों टीम के बीच। मॉडर्न शिरगांव की ओर से इब्तदाई बल्लेबाज इमरान और फहीम हमारे बीच हाजिर हुए। राजू सुतार साहब, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते यूनिटी क्रिकेट क्लब की ओर से। फाइनल का यह मुकाबला मॉडर्न शिरगांव और मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी। इब्तदाई बल्लेबाज इमरान और फहीम मॉडर्न की ओर से। गेंदबाजी के लिए आए एक जबरदस्त गेंदबाज प्रोफेशनल क्रिकेटर बिलाल शेख। चीता कैम उमर 11 से बिलोंग करते हैं। एक बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है उन्होंने अपनी कम एज में। अस्सलाम वालेकुम। हमारे दरमियान ये यूनिटी ग्रुप की खुशकिस्मती है कि आज क्रिकेट का एक मशहूर नाम जनाब राजू सुतार हमारे दरमियान मौजूद है। यूनिटी ग्रुप की तरफ से मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, उनको वेलकम करार देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यहां आने की वजह से उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में चार चांद लगा दिए हैं। अब चूंकि खेल आगे बढ़ रहा है तो मैं उजैर को इजाजत देता हूं। गेंदबाजी के लिए आए बिलाल अंपायर फारूक शेख का इशारा मैच शुरू करने का। बिलाल राइट आर्म और द विकेट, स्ट्राइक पर है फहीम। मॉडर्न शिरगांव की ओर से इब्तदाई बल्लेबाजी करने आए फहीम और इमरान। इमरान जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज है, फहीम स्ट्राइक लेंगे। फाइनल का मुकाबला पांच ओवर का मुकाबला होगा तो फाइनल की पहली गेंद लेकर बिलाल तैयार। स्ट्राइक पर मौजूद है फहीम। पहली गेंद तेज तरार गेंद हल्के हाथों से पुश किया वहां पर ऑफ साइड में, खिलाड़ी मौजूद एक रन हासिल किया और एक ही रन पर मुतमईन दोनों बल्लेबाज। तो अपना और अपनी टीम का खाता खोला फहीम ने एक रन के साथ। स्ट्राइक ले गया अब बाएं हाथ के बल्लेबाज इमरान। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट आपको इन पांच दिनों में देखने को मिला यूनिटी क्रिकेट क्लब की ओर से।
जिसके स्पॉन्सर थे अमरोही रियलिटी। फील्डिंग में थोड़ी सी सजावट करते हुए वहां पर बिलाल बाएं हाथ का बल्लेबाज है। एवन स्पोर्ट्स का ये क्रिकेट ग्राउंड बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। बिलाल तैयार अपने ओर की दूसरी गेंद लेकर स्ट्राइक पर मौजूद है इमरान। इस बार तेज तर्रार गेंदबाजी यहां पर बिलाल की, इमरान को समझने पाए डॉट गेंद कराई। स्कोर रुका हुआ एक रनों पर, दो गेंदें फेंकी अब तक बिलाल ने, स्कोर है एक रन। फाइनल का यह मुकाबला चल रहा है जिसमें आप ये शानदार जर्सीज देख रहे हैं हमें फराम की है मयूर स्पोर्ट्स की ओर से। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ये लाने में हमें काफी मदद की है हमारे गालिब भाई ने। बिलाल तैयार फिर से एक बार अच्छी गेंद, हल्के हाथों से टैप किया वहां पर, खिलाड़ी मौजूद, एक रन हासिल होगा। तो इस एक रन के साथ अपना खाता खोला इमरान ने, टीम का स्कोर पहुंचा दो रन। टॉस जीता था यहां पर मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। अब स्ट्राइक लेके फिर से एक बार फहीम, मॉडर्न क्रिकेट का एक बड़ा नाम है ये फहीम शेख, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं। बिलाल तैयार फहीम के लिए, इस बार ऑफ साइड में खेला, खिलाड़ी मौजूद, रन आउट का चांस हो सकता है, आधी विकेट में आके खड़े थे लेकिन वहां पर चूके कीपर और डॉट गेंद कराई। स्कोर रुका हुआ दो रनों पर, यकीनन ये मौका बना था यहां पर मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी के लिए। सलमान थे वहां पर, अच्छा थ्रो था लेकिन कीपर गेंद पकड़ नहीं पाए। बिलाल तैयार अपनी ओर की पांचवी गेंद लेकर फहीम के लिए, इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, डॉट गेंद कराई। स्कोर है दो रन, पांच गेंदों का सामना किया है अब तक मॉडर्न शिरगांव के बल्लेबाजों ने। अब पहली ओवर की आखिरी गेंद लेकर तेज तर्रार गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय बिलाल, हावी साबित होते हुए इस समय मॉडर्न शिरगांव के बल्लेबाजों के ऊपर। एक समझबूझ भरी पारी खेलनी होगी इस समय फहीम और इमरान को। बिलाल तैयार इस बार कुछ अलग अंदाज खेलने का लेकिन मिस किया, डॉट गेंद कराई। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है दो रन बिना किसी विकेट के नुकसान के मॉडर्न ग्रुप शिरगांव। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है दो रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की वहां पर बिलाल ने, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर कैसा होता है वो दर्शाया यहां पर बिलाल ने अपनी गेंदबाजी के साथ। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं नए गेंदबाज सलमान, स्ट्राइक पर है इमरान, बाएं हाथ के गेंदबाज के सामने एक बाएं हाथ का बल्लेबाज, देखना किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं अब इमरान। सलमान तैयार, स्ट्राइक पर है इमरान, स्कोर है दो रन। अपनी ओर की पहली गेंद लेकर सलमान, इस बार रनअप में थोड़ा सा फंबल हुआ, डेड गेंद। सलमान अपनी ओर की फिर से एक बार पहली गेंद लेकर, स्ट्राइक पर इमरान, बाएं हाथ का है जारहाना बल्लेबाज।
हेलो हेलो सलमान तैयार इमरान के लिए स्कोर है 2 रन इस बार तेज तर्रार गेंद वहां पर इमरान को समझ नहीं पाए डॉट गेंद कराई बहुत अच्छी गेंदबाजी इस समय चलती हुई मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी की ओर से यूनिटी ग्रुप की जानिब से जो ये मुकाबला इनकाद किया गया है इसमें हम सब के हरदिल अजीज अमरोही रियलिटी वसई सोहेल भाई जो काफी मशहूर नाम है हमारे वसई के इलाके में उनके बिहाफ में यहाँ पर शकील भाई आए हुए हैं अती खान साहब आए हुए हैं इकबाल मोमिन साहब आए हुए हैं नासिर खान साहब आए हुए हैं इन तमाम हजरात का मैं इस्तकबाल करता हूँ और वो आज हमारे दरमियान इस शामियाने में बैठे हुए हैं मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और उनको खुश आमदीद कहता हूँ एक बेहतरीन रन हासिल किया यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 3 बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय सलमान बाएं हाथ का गेंदबाज है और सामने बाएं हाथ का बल्लेबाज है फिर भी कोई चांस नहीं दे रहे इस समय सलमान अब स्ट्राइक ले गए फहीम एक बहुत अच्छे बल्लेबाज है फहीम कुछ अच्छे शॉट्स खेलने होंगे अपनी टीम को बड़ा स्कोर बनाने के लिए फहीम को इस समय फिर से एक बार अच्छी गेंद हल्के हाथ से टैप किया वहां पर खिलाड़ी मौजूद एक रन हासिल किया दूसरे रन की कोशिश है और ये अच्छा थ्रो लेकिन 2 रन रोक नहीं पाए गए इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 5 थोड़ी धीमी शुरुआत कहा जा सकता है इसे मॉडर्न शिरगांव की ओर से लेकिन देखा जाए तो इसके बाद आने वाले बल्लेबाज है अरशद होंडो वसीम राजे जली शेख सब बड़े नाम है सलमान तैयार इस बार ऊंचा शॉट लगाने की कोशिश थी लेकिन ऑन साइड में खेला एक रन हासिल किया दूसरे रन की कोशिश है वहां पर और यह बहुत अच्छी रनिंग इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 7 रन अब तक 4 गेंदें फेंकी है सलमान ने 5 रन खर्च किए लेकिन कोई चांस नहीं दे रहे इस समय बड़े शॉट्स खेलने का दोनों बल्लेबाजों को जबकि दोनों हार्ड हिटर बैट्समैन है लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी उनके सामने सलमान और बिलाल की सलमान अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर स्ट्राइक पर है फहीम स्कोर है 7 रन इस बार ऑफ साइड में खेला खिलाड़ी मौजूद 1 रन हासिल होगा थोड़े से फंबल हुए वहां पर रनआउट का चांस है और यह फहीम रनआउट पहला झटका लगाया पर मॉडर्न शिरगांव को फहीम के रूप में यूनिटी ग्रुप की तरफ से जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है इसमें हमारे हम तमाम के इमदाद करने वाले अमरोही रियलिटी के लोग तो मौजूद ही है साथ ही साथ हमारे दरमियान राजेश मेहता साहब इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि राजेश कंस्ट्रक्शन के जरिए से उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की है और साथ ही साथ हमारे दरमियान राजू सुतार साहब मौजूद है हमारी सरपंच महतरमा मौजूद है साथ ही साथ धनश्याम मोरे साहब मौजूद है उनका भी इस्तकबाल करता हूँ शुक्रिया अदा करता हूँ सुशांत मोरे साहब जिन्होंने काफ़ी हमारी मदद की है पार्थ मोरे जो खुद हमारे सरपंच भाई के बेटे हैं उन्होंने भी काफ़ी मदद की है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं मोबी केयर ने मैन ऑफ द मैच की जो इनामत दिए है उसके लिए उनके ममनून है मशकूर है और शुक्रगुजार है साथ ही साथ अगम सुजुकी इन्होंने भी काफी मदद की है हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं अब फहीम की जगह लेने आए नए बल्लेबाज अरशद होंडो एक टेनिस क्रिकेट की दुनिया का बड़ा नाम एक दिग्गज बल्लेबाजों में जिसे शामिल किया जाता है वो अरशद होंडो स्ट्राइक पर है इमरान आखिरी गेंद थी यहां पर छूके थे लेकिन उतना ही अच्छा बैकअप वहां पर देखा जाएगा व्हाइट का इशारा अंपायर फारूक शेख साहब का इस एक एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 9 एक विकेट के नुकसान पर मॉडर्न शिरगांव दूसरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर फिर से एक बार सलमान इमरान के लिए स्कोर है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस बीच हल्के हाथों से खेला वहां पर
रन चाहते थे लेकिन मना किया वहां पर अर्षद होंडो ने, स्ट्राइक को अपने पास रखना चाहते हैं। तो दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 9 रन एक विकेट के नुकसान पर मॉडर्न शिरगांव पहले बल्लेबाजी करते हुए। हमारे दरमियान जनाब अयाजुद्दीन शेख साहब मौजूद है जो नेशनल अवार्ड याफ्ता टीचर है, मैं उनका भी यूनिटी ग्रुप की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ, खुश आमदीद करार देता हूँ और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे कॉल पे लब्बैक कहा और यहाँ पर हाजिर हुए। जनाब अयाजुद्दीन साहब जो एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों से इनाम याफ्ता रह चुके हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको वेलकम करार देता हूँ। दो ओवर का खेल हुआ है, 9 रन बने, एक विकेट खोया है मॉडर्न शिरगांव ने। फाइनल का यह मुकाबला आप देख रहे हैं, मॉडर्न शिरगांव और मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी के बीच चलता हुआ 5 ओवर का मुकाबला होगा। पावर प्ले की ओवर्स में 9 रन बने और एक विकेट खोया है मॉडर्न शिरगांव ने। थोड़ी धीमी शुरुआत कहा जा सकता है जिसे, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी बिलाल और सलमान की। अब स्ट्राइक लेके अर्षद होंडो, बिलाल गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार अपना जाती दूसरा टीम की ओर से तीसरा ओवर लेते हुए, स्कोर है 9 रन। देखना किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं अब अर्षद होंडो बिलाल के सामने, क्योंकि पेस है इस गेंदबाज के पास और मैं समझता हूं पेस को पसंद करते हैं अर्षद होंडो। अस्सलाम वालेकुम जनाब गालिब खान साहब जो सातपाड़ी से है, जनाब गालिब खान साहब जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज का इनाम दिया है, वो जहां कहीं भी हो उनसे दरखास्त है कि वो स्टेज पर आ जाए, शामियाने में आ जाए। बिलाल तैयार अपने ओर की पहली गेंद लेकर स्ट्राइक पर मौजूद है अर्षद होंडो। इस बार ऊंचा शॉट लगाने की कोशिश, कैच का मौका और ये बड़ा झटका, बड़ा झटका यहां पर मॉडर्न शिरगांव को अर्षद होंडो के रूप में। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं एमसीसी के तमाम साबिक मेंबरान का और A1 के तमाम खिलाड़ियों का और साबिक मेंबरान का कि जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की और हमको इस तरह के प्रोग्राम मुनाकिद करने में हमारी मदद की। अब अर्षद होंडो की जगह लेने आए नए बल्लेबाज वसीम राजे, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है वसीम राजे। देखना किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं इस समय मॉडर्न शिरगांव की ओर से, दो विकेटें खो दी है इस समय मॉडर्न शिरगांव ने फहीम और अर्षद होंडो के रूप में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अब तक देखी जा सकती है मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी की ओर से, गेंदबाज बिलाल और सलमान। पहली गेंद पर कामयाबी हासिल की इस समय बिलाल ने, तेजी है इस गेंदबाज के पास और उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं बिलाल अपनी ओर की दूसरी गेंद लेकर। फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करना चाहते थे वहां पर, थोड़ी सी अपील है इस पर अंपायर तो डॉट गेंद कराई, स्कोर रुका हुआ 9 रनों पर। इस मुकाबले को कामयाब बनाने के लिए जनाब महशर शेख इन्होंने काफी मेहनतें की है और काफी प्लानिंग की है, मनसूबाबंद तरीके से काम किया है, साथ ही साथ सैयद ऐनुद्दीन साहब जिन्होंने मिलकर कॉम्बिनेशन में काम किया है। उम्मीद है कि प्रोग्राम काफी हद तक कामयाब हो चुका है और अपने इख्तिताम तक कामयाबी के साथ पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। हल्के हाथों से कट किया हुआ पर वसीम ने इस बीच 2 रन हासिल किए दोनों बल्लेबाजों ने। मैं समझता हूं बिलाल के सामने कुछ इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है इन दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर पहुंचा 11 रन दो विकेटों के नुकसान पर मॉडर्न शिरगांव। तीसरी ओवर का खेल चल रहा है, अब तक 3 गेंदें फेंकी है बिलाल ने और 2 रन दिए और एक बड़ी मछली जाल में फंसा ली है अर्षद होंडो के रूप में। बिलाल तैयार अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर स्ट्राइक पर मौजूद है वसीम, स्कोर है 11 रन। इस बार कुछ अलग अंदाज खेलने का, थर्डमैन की जानिब गेंद गई, खिलाड़ी मौजूद, 1 रन हासिल किया, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, 1 ही रन पर मुतमईन दोनों बल्लेबाज। इसे 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 12। स्ट्राइक को रोटेट कर रहे समय वसीम, अब स्ट्राइक देंगे इमरान के पास, एक बाएं हाथ का बल्लेबाज इमरान जो गुजरात से बिलोंग करता है।
बिलाल जो के एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है और वो साबित करते हुए इस समय मुंबई की एक बड़ी टीम उमर 11 से खेलते हैं। स्ट्राइक ले गया अब इमरान अपने ओर की पांचवी गेंद लेकर बिलाल स्ट्राइक पर मौजूद है। इमरान स्कोर है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर मॉडर्न शिरगांव। बिलाल तैयार इमरान के लिए। बार तेजी थी इस गेंद में, लो फुल टॉस गेंद को कराया था, कनेक्ट नहीं कर पाए इस समय इमरान। इस बार एक रन हासिल हुआ, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर मॉडर्न शिरगांव। फिर से एक बार स्ट्राइक पर आए हैं वसीम राजे। यूनिटी कप 2021 का ये पहला सीजन, पहले सीजन का ये फाइनल डे, फाइनल डे का फाइनल मुकाबला मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी और मॉडर्न शिरगांव के बीच। अब स्ट्राइक लेके वसीम, स्कोर है 13 रन तीसरी ओवर की आखिरी गेंद। बिलाल तैयार वसीम के लिए। इस बार हाफ हेलीकॉप्टर अंदाज में खेलना चाहते थे, इस समय एक रन हासिल होगा तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर मॉडर्न शिरगांव पहले बल्लेबाजी करते हुए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की अब तक बिलाल और सलमान ने। मैं निकला ओ गड लेके, अपना जाती पहला टीम की ओर से चौथा ओवर लेते हुए अहमद। अब तक इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है अहमद ने, अब तक रोके रखा है दोनों बल्लेबाजों को मॉडर्न शिरगांव के। स्कोर है 14 रन 2 विकेट खोई है। अब स्ट्राइक ले गए वसीम, कुछ बड़े शॉट्स खेलने होंगे आखिरी के 2 ओवरों में मॉडर्न शिरगांव को एक बड़ा टारगेट सेट करने के लिए। मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी की ओर से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं आदिल। आदिल और हाशमी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं। स्ट्राइक पर है वसीम, गेंदबाजी के लिए आए अहमद। स्कोर है 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो चौथी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार अहमद। इस बार ऊंचा शॉट लगाने की कोशिश थी वहां पर, चूक के मिस किया, डॉट गेंद कराई। हमारे डोनर्स में, मददगारों में पाटिल ऑप्टिक्स का भी नाम आता है, पाटिल सर जिन्होंने फाइनेंशियली हमारी मदद की है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं यूनिटी ग्रुप की तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि इनका तआवुन ये मदद इसी तरह जारी रहेगी और इसके जरिए से एक यूनिटी कायम रहेगी आवाम के अंदर में और लोगों के अंदर में। इसी का मकसद है, इसी मकसद के तहत इस प्रोग्राम को, इस मुकाबले को इनाकात किया गया है। इस बार हाफ हेलीकॉप्टर अंदाज में खेला वसीम ने, ऑन साइड में एक रन हासिल हुआ, दूसरे रन की कोशिश है, मना किया वहां पर इमरान ने। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर मॉडर्न शिरगांव। मैं बिलाल की तारीफ करना चाहूंगा, आज के दिन में उन्होंने जितनी गेंदबाजी की है एक भी एक्स्ट्रा बॉल नहीं डाली उन्होंने, काफी नफी तुली गेंदबाजी बिलाल की, अपनी लाइन और लेंथ के साथ बढ़िया परफॉर्मेंस देते हुए, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर क्या होता है वो बताते हुए। स्ट्राइक पर है अब इमरान, बाएं हाथ के बल्लेबाज, गेंदबाज है अहमद, अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर अहमद इमरान के लिए। स्कोर है 15 रन 2 विकेट खोई अब तक, चौथी ओवर का खेल चलता हुआ। थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट करते हुए इस समय आदिल। अहमद तैयार अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर, स्ट्राइक पर मौजूद है इमरान। देखना किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं अब इमरान, बाएं हाथ के बल्लेबाज है अहमद तैयार।
अहमद तैयार अपने ओर की चौथी गेंद लेकर इमरान के लिए। इस बार स्लोअर गेंद थी, जोरदार हिट करने की कोशिश, वहां पर सलमान मौजूद और यह आसान सा कैच। तीसरा झटका, तमाम मेंबरान छोटे से लेके बड़े जिन्होंने 5 दिनों से काफी मेहनत की है, काफी मशक्कतें झेली है इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए, दिन रात एक किया है, छोटे बच्चों से लेके हमारे बड़े तमाम मेंबरान, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी मेहनतों के बगैर ये प्रोग्राम कामयाब नहीं हो सकता था। यूनिटी ग्रुप की तरफ से उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जाता है जिन्होंने हमारी हर तरह की मौजूदगी हमारी मदद की है। तीसरा झटका लगा इस समय मॉडर्न शिरगांव को इमरान के रूप में, अब बल्लेबाजी के लिए आए मुसू, स्ट्राइक पर है वसीम। इस बार जोरदार हिट लगाने की कोशिश थी, कैच का मौका, अहमद थे गेंद के नीचे लेकिन मिस किया, एक रन हासिल किया, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 16 रन, 3 विकेटें खोई अब तक मॉडर्न शिरगांव ने। अब आखिरी 8 गेंदें बची है, कुछ ऊंचे शॉट्स खेलने होंगे यहां पर मॉडर्न शिरगांव के बल्लेबाजों को, और वो खेलना जानते हैं मुसद्दिक और वसीम राजे। इसके बाद भी जली शेख है, माजिद शेख है, काफी बड़े बड़े नाम अब तक डगआउट में बैठे, देखना है अब किस तरह की बल्लेबाजी होती है इन आखिरी के 8 गेंदों में। इमरान तैयार, माफ कीजिए अहमद तैयार अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर, स्ट्राइक पर है मुसद्दिक मुसू, एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर, बाएं हाथ का ये जारहाना बल्लेबाज। इस बार ऊंचा शॉट है, हवा में गेंद को खेला है खिलाड़ी, फिर से एक बार सलमान मौजूद और ये कैच आउट। तो चौथा झटका लगा इस समय मॉडर्न शिरगांव का मुसद्दिक के रूप में, बिना कोई रन बनाए मुसद्दिक आउट हुए, अब उनकी जगह लेने आए नए बल्लेबाज औसाफ। स्ट्राइक पर है वसीम, नॉन स्ट्राइक पर औसाफ, औसाफ ये भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी अब तक कहा जा सकता है मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी की ओर से, अहमद बिलाल और सलमान। फिर से एक बार अहमद तैयार अपने ओर की आखिरी गेंद लेकर वसीम के लिए, इस बार स्वीप शॉट खेलना चाहते थे वहां पर चूके, मिस किया, डॉट गेंद कराई, तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर मॉडर्न शिरगांव पहले बल्लेबाजी करते हुए। डीजे तो अब गेंदबाजी के लिए आए मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी की ओर से हम मुद्दसर, जबकि अहमद जो के थे वो हाईएस्ट विकेट टेकर में थे, अहमद उनको रोककर मुद्दसर को लाया गया है। फाइनल का है मुकाबला, अब तक 16 रन बने 4 ओवर की समाप्ति के बाद, 4 विकेटें खोई है मॉडर्न शिरगांव ने, तो आखिरी की 6 गेंदों में काफी जद्दोजहद करनी होगी इस समय मॉडर्न शिरगांव के बल्लेबाजों को। इससे पहले का जो ओवर फेंका था अहमद ने सिर्फ 2 रन खर्च किए और 2 कामयाबी हासिल की थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। फिर से एक बार मुदस्सर तैयार अपनी ओर की पहली गेंद लेकर, स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज औसाफ। इस बार ऊंचा शॉट लगाने की कोशिश, फॉलो थ्रो में गेंद को पकड़ा, डॉट गेंद कराई, प्रेशर बढ़ता हुआ इस समय मॉडर्न शिरगांव के बल्लेबाजों के ऊपर।
स्कोर है 16 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अपनी ओर की दूसरी गेंद लेकर मुद्दसर मुद्दू और साफ के लिए फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद, इस बार पूरा फायदा उठाया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इस तरह की लूज डिलीवरी का पूरा फायदा उठा सकते हैं बल्लेबाज औसाफ, एक जारहाना बल्लेबाज है औसाफ। इस 6 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 22। तो थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट करते हुए समय गेंदबाज मुद्दसर पहला सिक्सर लगाए ये इस इनिंग का। मुद्दसर तैयार अपने ओर की तीसरी गेंद लेकर औसाफ के लिए, इस बार फिर से एक बार बिग 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 सिक्सर औसाफ के बल्ले से। शॉट क्या यहां पर गलती की है मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी के कप्तान ने, क्योंकि बहुत अच्छे गेंदबाज थे अहमद, उनको रोककर मुद्दसर को लाया है और ये लगातार दूसरा सिक्सर निकला औसाफ के बल्ले से। टीम का स्कोर पहुंचा 28 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। स्कोर है 28 रन 4 विकेटों के नुकसान पर मॉडर्न शिरगांव। तो आखिरी 3 गेंदें बची हैं और भरपूर फायदा उठा रहे हैं समय शॉर्ट पिच गेंदों का औसाफ। फिर से एक बार स्ट्राइक पर है औसाफ, अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर लगातार 2 सिक्सर लगा चुके हैं औसाफ मुद्दसर की गेंदबाजी पर। मुद्दसर तैयार अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर फिर से एक बार औसाफ के लिए, फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद, इस बार बिग 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 सिक्सर। बेहतरीन सिक्सर यहां पर औसाफ चुने वाला की तरफ से। डीजे इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 34 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब आखिरी 2 गेंदें बची है, लगातार 3 सिक्सर लगाए हैं औसाफ ने, अपनी हैट्रिक पूरी की है सिक्सर्स की, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। लगातार एक ही टप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पर मुद्दसर और उसका भरपूर फायदा उठाया औसाफ ने। मैंने पहले ही कहा था A1 स्पोर्ट्स का एक ग्राउंड बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए काफी मशहूर है और ये पूरा फायदा उठाते हुए समय औसाफ स्कोर पहुंच गया है 34 रनों पर। तो आखिरी 2 गेंदें बची है, देखना कितने रन जुटा पाते हैं मॉडर्न शिरगांव के बल्लेबाज। बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे इस समय औसाफ, महंगे साबित हुए अब तक मुद्दसर, अपनी 4 गेंदों में 18 रन दिए। मुद्दसर तैयार फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद, इस बार बिग 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 सिक्सर, जा रहा ना बल्लेबाजी। डीजे तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी इस समय चलती हुई है औसाफ की ओर से, इस 6 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 40 रन। अब जो कि फाइटिंग स्कोर कहा जा सकता है इसे, जिस तरह की बल्लेबाजी की जरूरत थी यहां पर मॉडर्न शिरगांव को, उसी तरह की बल्लेबाजी चलती हुई। तो हमारे घनश्याम मौर्य साहब की तरफ से इनाम आया है, औसाफ ने 4 सिक्सर लगाए उनको ₹1000 का इनाम। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, लगातार 4 गेंदों में 4 सिक्सर लगाए और यह फाइनल मैच चल रहा है। आपको बता दूं बहुत अच्छी बल्लेबाजी, स्कोर पहुंचा दिया है 40 रनों पर जबकि 4 ओवर में सिर्फ 16 रन बने थे और इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत थी मॉडर्न शिरगांव को और उसी तरह की बल्लेबाजी करते हुए इस समय औसाफ। अब पहली इनिंग की आखिरी गेंद मुद्दसर औसाफ के लिए,
देखना है कंटिन्यू पांच सिक्सर लगा पाते हैं या नहीं। आखिरी गेंद, फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। लगातार पांच सिक्सर लगाया उसे अपने, जोरदार टालिया होनी चाहिए इस बल्लेबाजी के लिए। स्कोर पहुंचा दिया 46 रन एक इनिंग की समाप्ति के बाद मॉडर्न शिरगांव। एक जारहाना बल्लेबाजी की जरूरत थी इस समय मॉडर्न शिरगांव को, और उसी तरह का परफॉर्मेंस दिखाते हुए इस समय औसाफ लगातार पांच सिक्सर लगाया अपनी टीम के लिए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी महंगे साबित हुए यहाँ पर मुदस्सर। जलील शेख ने 30 रन खर्च किए। जलील शेख मॉडर्न के कैप्टन, उनसे गुजारिश की यहाँ पर आए। जलील शेख, जलील शेख, जलील शेख इधर इधर। पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 46 रन चार विकेट के नुकसान पर। तो अब जीत के लिए 30 गेंदों में 47 रन की जरूरत है, जबकि चार ओवर में 16 रन बने थे मॉडर्न शिरगांव के। और जलील शेख मौजूद है जो हमारे इलाके का एक बहुत बड़ा नाम है, मैं उनसे जानना चाहूंगा फाइनल मैच के ताल्लुक से और ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट के ताल्लुक से कि वो विद इन अ मिनट इंशाल्लाह उसको क्लियर करें। अस्सलाम वालेकुम। और यूनिटी ग्रुप ने बहुत अच्छा टूर्नामेंट किया, जिस तरह से आप ये क्राउड कह सकते हैं उससे उनके इस टूर्नामेंट का सक्सेस आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का टूर्नामेंट था। और ये फाइनल मैच एक बहुत बड़ा मैच होता है, शाम के टाइम पे थोड़ा प्रेशर था, फिलहाल जैसा गेंदबाज था हमारा प्लान था कि कम से कम स्टार्ट के दो ओवर में हम लोग 15 रन करें और पीछे के तीन ओवर में हम लोग टारगेट करते हम लोग 50 रन करेंगे। पर जिस तरह से औसाफ ने बल्लेबाजी की ये एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था। अगर वो पहला बॉल भी अगर उनका फिट नहीं होता था तो शायद आज हमको यहाँ पर एक 6-6 का एक नज़ारा देखने मिलता था। तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और इंशाल्लाह भी हम लोग 46 रन जो है 47 का टारगेट है डिफेंड करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ एक अच्छा मुकाबला है, हेल्दी मुकाबला हमको देखने मिलेगा और बेहतरीन टीम यहाँ पर कामयाबी से हमकिनार होगी। पांच ओवर की समाप्ति के बाद आपको बताता चलूं कि हमारे दरमियान एवन स्पोर्ट्स क्लब के लिए सबसे ज्यादा कामयाब कप्तान के तौर पर जनाब तनवीर शेख साहब यहाँ मौजूद है। साथ ही साथ उनकी एक खसूसियत यह भी रही है कि एसटी के वो कोच रहे हैं, एसटी के लिए उन्होंने काफी जगह पर मुकाबले खेले, रत्नागिरी, कोल्हापुर, शोलापुर, लातूर, बंबई वगैरह बहुत जगह खेलने गए और वो एवन स्पोर्ट्स के क्लब की तरफ से रहे। तो हमारे लिए खुशाइन किस्मत है हमारी कि वो हमारे दरमियान मौजूद है। उन्होंने बेहतरीन अंदाज में एवन को जो है वो रिप्रेजेंट किया है। एवन के और भी बहुत सारे खिलाड़ी हमारे दरमियान मौजूद है, मैं उनका यूनिटी ग्रुप की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि वो यहाँ पर आए, हमारे कॉल को उन्होंने मान दिया और हमारे प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए मौजूद है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो महदूद पांच ओवर में अब 47 रन की जरूरत है इस समय मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी के बल्लेबाजों को। मैं मुंबई उर्दू स्कूल के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि वो अपने इब्तदाई बल्लेबाजों को मैदान में दाखिल करें। बहुत अच्छा मैच आपको देखने को मिलेगा। चार ओवर में सिर्फ 16 रन बने थे मॉडर्न शिरगांव के, उसके बाद एक औसाफ नाम का तूफान आया मैदान के अंदर, लगातार पांच गेंदों में पांच सिक्सर लगाए और अपनी टीम को पहुंचा दिया 46 रनों पर। आखिरी ओवर में 30 रन हासिल किए मॉडर्न शिरगांव के बल्लेबाजों ने। थैंक यू उजैर। अब मैं चाहूंगा कि हमारे दरमियान जनाब राजू सुतार साहब मौजूद है, मैं चाहूंगा कि उनके बाजू में उनके हम असर उनके जमाने के खेलने वाले खिलाड़ी भी मौजूद है, जनाब महबूब चुनेवाला साहब है, अंसार चुनेवाला साहब है। मैं राजू सुतार साहब से कहूंगा कि वो दो मिनट अपना जो है वो अपनी बात पेश करे, जिस जबान में चाहे, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, जिसमें चाहे वो बोल सकते। हेलो, सबसे पहले
मैं यूनिटी स्पोर्ट्स क्लब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने आज जो मुझे मान दिया गया है शिरगांव में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो मैच ने मोड़ पकड़ा है लास्ट ओवर में, वो टोटल फाइनल जैसा लग रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट चालू है जो देखने में मज़ा आ रहा है। और बहुत सारे दिग्गज रिस्पेक्टेड पर्सन्स पर्सनालिटीज यहाँ पे मौजूद है, उनके साथ बैठने का मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे दोस्त अल्ताफ, उन्होंने मुझे आज इनविटेशन दिया था, तो मैं बोला ये अपना गांव है तो इनविटेशन देने की ज़रूरत नहीं, मैं अपना घर का आदमी हूँ, आप कभी भी मुझे बुला सकते हैं। और क्रिकेट तो हमारी जान है, और कुछ भी क्रिकेट के लिए मदद चाहिए तो हम लोग हाजिर है। ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, फाइनल मोड पे आ गया है, तो दोनों टीम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। शुक्रिया जनाब राजू सितार साहब, आपके जो हिदायत है, जो पैगाम है, वो हमारे लिए खास है, अहम है, और हम कोशिश करेंगे कि इस पे भरपूर पूरे तौर से उतरने की कोशिश करेंगे। और यूनिटी ग्रुप का मकसद यही है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जो है वो रहा जाए। पहले गेंदबाज नाजिम गुल्ली, इस बार अंदर आकर खेलना चाहते थे आदिल, वहां पर रनआउट का मौका था डायरेक्ट हिट, लेकिन उसका पूरा फायदा उठाया, बाई के रूप में यह रन हासिल हुआ। इस एक रन के साथ अपना खाता, अपनी टीम का खाता खोला मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी ने। तो पहली शुरुआत बाई के रन के साथ हुई है। नाजिम गुल्ली एक बहुत अच्छे गेंदबाज है, उमर 11 से खेलते हैं, आपने पहली इनिंग में देखा था बिलाल को, वो भी उमर 11 से खेलते हैं। और अब नाजिम गुल्ली एक प्रोफेशनल क्रिकेटर, अब स्ट्राइक ले गए हाशिम। इससे पहले जो मैच हुआ था सेमीफाइनल का मुकाबला एआर सुपरस्टार और मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी के बीच, उस मैच के मैन ऑफ द मैच थे, अपनी इनिंग में 5 सिक्सर लगाए थे। हमारे दरमियान अमरोही रियलिटी के एक खास मेंबर जनाब अतीक खान साहब आ पहुंचे हैं, शिद्दत से उनका इंतजार था, काफी देर से उनको हम सर्च कर रहे थे, आखिरकार वो यहाँ अवेलेबल हो गए हैं। मैं उनका यूनिटी ग्रुप की तरफ से इस्तकबाल करता हूं और उनको कहता हूं कि वो यहां पर शामियाने में हमारे साथ आकर बैठे। आप इस मैच को लाइव भी देख सकते हैं, वहां पर मुंबई में अब तक मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी के प्रेसिडेंट जनाब नवाज खान साहब और इब्राहिम सैयद साहब इस मैच को लाइव देख रहे हैं। लगातार दूसरी गेंद डॉट कराई इस समय नाजिम गुल्ली ने, स्विंग का जादूगर जिसे कहा जा सकता है नाजिम गुल्ली, गुजरात वलसाड़ से बिलोंग करते हैं, आज यहाँ पर शिरगांव में मॉडर्न शिरगांव से खेलने को आए और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया सुबह से, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। स्ट्राइक पर है हाशमी, नाजिम तैयार हाशिम के लिए, फिर से एक बार कट गेंद, कैच का मौका लेकिन वहां पर चूके, मिस किया माजिद ने, थर्ड की जानी गेंद गई। इस बीच दो रन हासिल किए दोनों बल्लेबाजों ने, एक मौका जरूर बनाता है यहां पर, माजिद को कुछ गेंद दिखाई नहीं दी, दो रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 3। एक बड़ा टारगेट सेट किया यहां पर जनाब अतीक खान साहब हमारे दरमियान मौजूद है, मैं यूनिटी ग्रुप की तरफ से उनका इस्तकबाल करता हूं और शामियाने में आने के लिए खुशामदीद कहता हूं। जनाब अतीक खान साहब जो अमरोही रियलिटी के एक खास मेंबर है, उनका इस्तकबाल करता हूं। जनाब ऐनुद्दीन सैयद साहब उनको यहां पर लेकर आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इस बार फिर से एक बार बहुत अच्छी गेंद, लेग पाई का इशारा वहां पर अंपायर फारूक शेख साहब का, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 4। अब तक 5 गेंदें फेंकी है नाजिम ने, 4 रन दिए, कोई विकेट नहीं, बहुत अच्छी गेंदबाजी। अब स्ट्राइक लेके फिर से एक बार आदिल, जिन्होंने पहले दिन काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी अपनी टीम के लिए, इस समय बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए नाजिम, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर नाजिम गुल्ली। फिर से एक बार कुछ अलग अंदाज यहां पर आदिल का खेलने का, एक रन हासिल हुआ। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 5 रन, मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी पहले बल्लेबाजी करते हुए, माफ कीजिए सेकेंड इनिंग में।
यहाँ पर करीब करीब हमारे तमाम मेहमान मौजूद है। उम्मीद करते हैं कि मैच के बाद इंशाल्लाह एक बेहतरीन इस्तकबालिया आप सबों को देखने के लिए मिलेगा जो यूनिटी ग्रुप की तरफ से यहाँ मुनाकिद किया गया है। इनमें खास तौर से रूह रवा रहे हमारे सैयद अनुद्दीन साहब, जनाब महशर शेख साहब, जिनकी अंतक मेहनतों के साथ में यूनिटी के तमाम मेंबरान ने इसको बखूबी अंजाम दिया है और काफ़ी मेहनत करते हुए कामयाबी से हमकिनार करने की कोशिश की है। हम हमारे तमाम मुखैर हजरात, डोनर हजरात, उनका शुक्रिया अदा करते जिन्होंने हमारी मदद की है हर एतबार से, माली एतबार से, रस्मी एतबार से, जुमलों के एतबार से, जो भी मदद की है हमें यहाँ आकर हमारी हौसला अफजाई की है, उन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे दरमियान क्रिकेट के अजीम तरीन लोग मौजूद है, जनाब अल्ताफ चुनेवाला साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, शिरगांव में उनके इतने बेहतरीन रिकॉर्ड है, बंबई में इतने इनके बेहतरीन रिकॉर्ड है, मुंबई में इनके इतने बेहतरीन रिकॉर्ड है कि जिसका तारुफ नामा हमारे यहाँ शामियाने में लगा हुआ है। फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए बुलाया वसीम राजिक और बहुत अच्छा शॉट खेला वहां पर आदिल ने, एक रन हासिल किया, दूसरे रन की कोशिश है और यहां पर आदिल रन आउट हुए। पहला झटका लगा यहां पर मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी को आदिल के रूप में, रनआउट हुए वहां पर आदिल। दोनों बल्लेबाजों के बीच कोई कॉलिंग नहीं थी, हाशिम अपना स्ट्राइक छोड़कर आ चुके थे। अब आदिल की जगह लेने आए नए बल्लेबाज शाहरुख। स्कोर है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी के लिए बुलाया वसीम राजे को, एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर है वसीम राजे, देखना किस तरह की गेंदबाजी करते हैं अब अपनी टीम के लिए। स्ट्राइक पर है शाहरुख, स्कोर है 6 रन। जीत के लिए अब 23 गेंदों में 41 रनों की जरूरत, 23 गेंदे 41 रन। फील्डिंग में थोड़ी सी सजावट करते हुए इस समय विकेट कीपर जलीश शेख, एक बड़ा नाम शिरगांव का जिन्होंने दुबई में जाकर अपने नाम को बनाया, अपने गांव के नाम को बनाया। गेंदबाजी के लिए आए हैं वसीम, स्ट्राइक पर है शाहरुख, 23 गेंदे 41 रन। वसीम तैयार, इस बार ऑफ साइड में खेला, गुल्ली गेंद के नीचे चेस किया, वहां पर फील्ड किया, थ्रो किया, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर। इस बीच 2 रन हासिल किए दोनों बल्लेबाजों ने, इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 8। फाइनल का यह मुकाबला चलता हुआ मॉडर्न ग्रुप शिरगांव और उर्दू स्कूल अंधेरी, स्कोर अप हुआ है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वसीम तैयार अपने ओर की तीसरी गेंद लेकर, इस बार स्लो ओवर गेंद को फेंका था, वहां पर शॉर्ट पिच गेंद थी, रनआउट का चांस था वहां पर, लेकिन 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 9। बहुत अच्छा मुकाबला चल रहा है इस समय, फाइनल का यह मुकाबला। पहली इनिंग की बात करूं तो 4 ओवर में सिर्फ 16 रन बने थे मॉडर्न शिरगांव के, उसके बाद मानो एक तूफान सा आया औसाफ की बल्लेबाजी में, लगातार 5 सिक्सर लगाए अपनी टीम के लिए और अपने स्कोर को पहुंचा दिया 46 रनों पर। अब 21 गेंदों में 38 रन की जरूरत, 21 गेंदे 38 रन। स्ट्राइक पर आए हाशमी, सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच। वसीम तैयार, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर अंपायर फारूक शेख साहब का इशारा, वाइड बॉल। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 10। फिर से एक बार वसीम तैयार, इस बार ऑफ साइड में खेलने की कोशिश थी वहां पर हाशमी की, पूरी तरह से रोके रखा वहां पर वसीम ने, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी वसीम की। स्कोर है 10 रन। अब अपने ओर की 5वीं गेंद लेकर फिर से एक बार वसीम, हाशिम के लिए 20 गेंदे 37 रन। फाइनल का यह मुकाबला चलता हुआ, वसीम तैयार अपने ओर की 5वीं गेंद लेकर हाशिम के लिए। इस बार ऊंचा शॉट और इस बार कामयाबी हासिल की हाशिम ने, बिग 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 सिक्सर।
थैंक यू टीचर। इस बार गुड लेंथ से कट करने की कोशिश थी वहां पर वसीम की, लेकिन बैट्समैन के रिडार में गेंद को डाला और पूरा फायदा उठाया यहां पर हाशिम ने। बॉल स्कोर बढ़कर पहुंचा 16 रन। अब 19 गेंदे और 31 रन की जरूरत, 19 गेंदे 31 रन। मैंने पहले ही कहा था A1 स्पोर्ट्स का ये ग्राउंड बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है, और कुछ इसी तरह की बल्लेबाजी पहली इनिंग में की थी औसाफ ने, और अब उसी तरह की बल्लेबाजी करते हुए हाशिम 19 गेंदे 31 रन। वसीम अब तक अपनी ओवर में 11 रन दे चुके हैं। स्ट्राइक पर है हाशिम, 19 गेंदे 31 रन। फाइनल का है मुकाबला, मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी बनाम मॉडर्न शिरगांव। देखते हैं कौन इस मैच को जीतकर यूनिटी कप 2021 का फाइनल विनर टीम बनता है। 19 गेंदे 31 रन, वसीम तैयार हाशिम के लिए अपनी ओर की आखिरी गेंद लेकर। इस बार ऊंचा शॉट लगाने की कोशिश, कैच का मौका है जली से गेंद के नीचे और ये कैच आउट। तो एक बड़ा झटका लगा यहां पर मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी को हाशिम के रूप में। तो दूसरा झटका लगा यहां पर मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी को हाशिम के रूप में। हाशिम जिन्होंने 7 गेंदों का सामना किया, 8 रन बनाए। वसीम ने बता दिया एक तेरी तो एक मेरी। पहली गेंद पर सिक्सर लगा चुके थे हाशिम, लेकिन बाद में उनका विकेट ले लिया यहां पर वसीम ने। स्कोर है 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी अब 18 गेंदों में 31 रन की जरूरत, 18 गेंदे 31 रन। डीजे फाइनल मैच की एम्पायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं हमारे फारूक शेख साहब और अफान शेख साहब, और उनका साथ दिया है इस पूरी टूर्नामेंट में आमिर काराई ने। बहुत अच्छी एम्पायरिंग हुई है यूनिटी कप 2021 सीजन 1 में। अब हाशिम की जगह लेने आए नए बल्लेबाज सलमान, बाएं हाथ का ये बल्लेबाज सलमान, और गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार बुलाया नाजिम गुल्ली। एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी, एक प्रोफेशनल खिलाड़ी नाजिम गुल्ली। स्ट्राइक पर है शाहरुख, 18 गेंदे 31 रन। नाजिम तैयार अपने ओर की पहली गेंद लेकर शाहरुख के लिए। इस बार कट किया था वहां पर गेंद को, बहुत अच्छी गेंदबाजी नाजिम गुल्ली की। गेंद को किस तरफ घुमाना है वो अच्छी तरीके से जानते हैं नाजिम, बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। नाजिम तैयार फिर से एक बार ऊंचा शॉट, और इस बार हावी हुए शाहरुख। शाहरुख के बल्ले से निकला एक बिग 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 सिक्सर। थैंक यू डीजे। तो टीम का स्कोर पहुंचा 22 रन। फिर से एक बार ऑफ साइड में खेला, वहां पर मुस्तदीक मौजूद, एक रन हासिल किया, अच्छे फील्डिंग और अच्छा थ्रो। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 23 रन। तब जीत के लिए 15 गेंदे 24 रन, 15 गेंदे 24 रन। काफी दिलचस्प मैच चलता हुआ यहां पर, तमाम शायकीन की नजरें इस मैच पर है कि कौन इस विनिंग ट्रॉफी को उठाता है, मॉडर्न शिरगांव की मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी। 15 गेंदे 24 रन। नाजिम तैयार अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर। इस बार अंदर आके खेलना चाहते थे सलमान, बल्ले और गेंद का कोई मिलाप नहीं, एक रन हासिल हुआ। लेग बाई का इशारा हुआ पर अंपायर फारूक शेख साहब का।
स्कोर बचा 24 रन, 2 विकेट के नुकसान पर मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी। तो अब जीत के लिए 14 गेंदे 23 रन, एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट आपको देखने को मिल रहा है। यूनिटी कप 2021 सीजन 1, नाजिम तैयार अपने और की 5 विकेट लेकर, और इस बार तेज तर्रार गेंदबाजी और प्लम लेग बिफोर आउट हो चुके हैं यहां पर शाहरुख। तो एक बड़ा झटका लगा यहां पर मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी को शाहरुख के रूप में। थैंक यू डीजे। ये होता है एक प्रोफेशनल खिलाड़ी का खेल जो आपको नाजिम गुल्ली की ओर से देखने को मिला। लगातार लेग कटर ऑफ कटर गेंदबाजी कर रहे थे और जैसे ही शाहरुख अंदर आए एक तेज गेंद फेंक कर उन्हें लेग बिफोर आउट कराया। बहुत अच्छी गेंदबाजी इस समय नाजिम गुल्ली की ओर से, बहुत अच्छी गेंदबाजी इस समय मॉडर्न शिरगांव की ओर से। अब 13 गेंदे 23 रन और नए बल्लेबाज आए शेरा। अब तक शेरा ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है इस टूर्नामेंट में और कुछ उसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है अब मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी को। गेंदबाज नाजिम गुल्ली 13 गेंदे 23 रन, अब अपनी ओवर की आखिरी गेंद लेकर, तीसरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर नाजिम तैयार। स्ट्राइक पर मौजूद है शेरा। इस बार पूरी तरह से बीट किया वहां पर शेरा को और मिस किया वहां पर इमरान ने। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 24 रन, 3 विकेट के नुकसान पर मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी। तो 12 गेंदे 23 रन, माफ कीजिए 25 रन हुए। अब 12 गेंदे और 22 रन, देखना है कौन आते मॉडर्न शिरगांव की ओर से तीसरे गेंदबाज। 12 गेंदे 22 रन, तो गेंदबाजी के लिए बुलाया है शिरगांव एक्सप्रेस मुसद्दिक शेख मुसु। शिरगांव का एक तेज तर्रार गेंदबाज मुसद्दिक जो अपनी पेस से बैट्समैन को बीट करते, एक बहुत अच्छी पेस है इनके पास, एक बहुत अच्छा रनअप, बहुत अच्छा स्टाइल बॉलिंग का, क्लीन एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हैं मुसद्दिक। स्ट्राइक पर है शेरा, नॉट स्ट्राइक पर सलमान। 12 गेंदे 22 रन, फाइनल का मुकाबला चलता हुआ मॉडर्न शिरगांव और मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी के बीच। 12 गेंदे 22 रन मुसद्दिक, राइट अम ऑफ द विकेट शेरा के लिए। फाइनल का मुकाबला 12 गेंदे 22 रन। मुस्सू तैयार, ये देखिए ये है पेस, तेज तर्रार गेंदबाजी। पहली गेंद डॉट कराई इस समय मुसद्दिक ने, बहुत अच्छी गेंदबाजी की अब तक इस टूर्नामेंट में मुसद्दिक ने, काफी डॉट गेंदे फेंकी है मुसद्दिक ने, बहुत अच्छा स्टाइल बॉलिंग का, एकदम क्लीन एक्शन से गेंदबाजी करते हैं। अब स्ट्राइक पर है शेरा, 11 गेंदे 22 रन मुसद्दिक तैयार शेरा के लिए। फिर एक बार शॉर्ट पिच गेंद थी वहां पर पुल करना चाहते थे, लॉन्ग ऑन की जानिब गेंद को ढकेला वसीम राजे मौजूद, 1 रन हासिल हुआ। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छा थ्रो, कोई चांस नहीं 2 रन का, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 26, 3 विकेट के नुकसान पर मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी। अब 10 गेंदे 21 रन, 10 गेंदे 21 रन, देखना है कौन इस मैच को जीत कर विनिंग ट्रॉफी में अपना नाम लिखाता है। यूनिटी कप 2021 का पहला सीजन, पहले सीजन का फाइनल मैच चलता हुआ मॉडर्न शिरगांव मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी। 10 गेंदे 21 रन मुसद्दिक तैयार सलमान के लिए। इस बार जोरदार हिट करना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए।
थैंक यू डीजे। इनसाइड एज लगा था वहां पर सलमान के बल्ले से चार रन हासिल हुए, तो 9 गेंदें 17 रन, माफ कीजिए 22 का इशारा। नौ गेंदे 17 रन। फिर से एक बार पेस, तेजी है इस गेंदबाज के पास, वही दर्शाते हुए समय मुसद्दिक और मुस्सो शिरगांव एक्सप्रेस। 8 गेंदे 17 रन। स्कोर है 30 रन 3 विकेट खोई अब तक मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी ने। 8 गेंदे 17 रन। मुसद्दिक तैयार अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर। इस बार फुल टॉस गेंद, गैप में ढकेला वहां पर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो 7 गेंदे 13 रन। इन दो चौकों की मदद से अब मैच में कुछ रोमांच आ चुका है। 7 गेंदे 13 रन, अच्छी बल्लेबाजी कहा जा सकता है इसे सलमान की ओर से। 7 गेंदे 13 रन। मुसद्दिक तैयार अपनी ओवर की आखिरी गेंद लेकर, चौथी ओवर की आखिरी गेंद लेकर मुसद्दिक सलमान के लिए। 7 गेंदे 13 रन, आखिरी गेंद। इस बार तेज तर्रार गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी मुसद्दिक की आखिरी गेंद पर। तो अब 6 गेंदों का सामना बचा है, 6 गेंदों में बनाने हैं 13 रन। देखना किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं अब शेरा और सलमान। डीजे गेंदबाजी के लिए बुलाया है एक और तेज तर्रार गेंदबाज शिरगांव का वकास डांडेकर। 6 गेंदे 13 रन की जरूरत है इस समय मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी को, और एक तेजी भरी गेंदबाजी करने में मशहूर है वकास डांडेकर। स्ट्राइक पर है शेरा। अब जीत के लिए 6 गेंदे और 13 रन, देखना फाइनल का ही मुकाबला किसके हाथ में जाता है। पूरी जिम्मेदारी इस समय मॉडर्न शिरगांव की वकास के हाथों में, किस तरह की गेंदबाजी करते हैं वकास देखना होगा। स्ट्राइक पर मौजूद है शेरा। वकास तैयार। गेंदे 13 रन, फाइनल का है मुकाबला, काफी रोमांचक मुकाबला चलता हुआ। तमाम शायकीन की नजरें इस मुकाबले की ओर है, कौन बनेगा विनर, कौन हासिल करेगा ये विनिंग ट्रॉफी। 6 गेंदे 13 रन, वकास तैयार शेरा के लिए। इस बार तेजी भरी गेंद, माजिद मौजूद, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर, 1 रन हासिल हुआ। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़कर पहुंचा 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी। तो अब आखिरी 5 गेंदे, यूनिटी कप 2021 की आखिरी 5 गेंदे और 12 रन की जरूरत। 5 गेंदे 12 रन। स्ट्राइक पर है सलमान, नॉन स्ट्राइक पर शेरा। गेंदबाज है वकास, वकास तैयार अपनी ओर की दूसरी गेंद लेकर। 5 गेंदे 12 रन। इस बार अंदर आकर खेलना चाहते थे, जड़ में गेंदबाजी की थी वहां पर, वसीम राजे मौजूद, थोड़ी सी फंबल हुए लेकिन कोई फायदा नहीं।
इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 36 रन। तो अब चार गेंदों का खेल बचा है और जीत के लिए 11 रन की जरूरत। चार गेंदे 11 रन। एक तेज तर्रार गेंदबाज वकास दांडेकर बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी करते हुए इस समय दोनों बल्लेबाजों को शेरा और सलमान। चार गेंदे 11 रन। वकास अपने ओर की तीसरी गेंद लेकर स्ट्राइक पर मौजूद है शेरा। चार गेंदे 11 रन। फिर से एक बार जड़ में गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी वकास दांडेकर की। ये बॉल पसंद आया होगा तो जोरदार तालियां बजाए। बहुत अच्छी गेंदबाजी। तीन गेंदे 11 रन। कंपलसरी चेस है इस बात का ध्यान रखे। तीन गेंदे 11 रन। यूनिटी कप 2021 की आखिरी तीन गेंदे। तमाम शायकीन की नजरें इस मुकाबले के ऊपर। तीन गेंदे और 11 रन। वकास तैयार अपने ओर की चौथी गेंद लेकर स्ट्राइक पर है शेरा। स्कोर है 36 रन। इस बार जोरदार हिट लगाने की कोशिश, पूरी तरह से चूके। शानदार गेंदबाजी वकास दांडेकर की। तब आखिरी दो गेंदे 11 रन। दो बड़े हिट और यह मुकाबला मुंबई उर्दू स्कूल अंधेरी की तरफ झुक जाएगा। एक डॉट बॉल और मॉडर्न शिरगांव थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट करते हुए इस समय जलीस। दो गेंदे 11 रन। क्या इस गेंद पर बड़ा हिट आएगा? कोई चांस नहीं दे रहे देखा जा सकता है इस समय। वकास बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी कर रहे बल्लेबाज शेरा को। दो गेंदे 11 रन। वकास तैयार अपने ओवर की पांचवी गेंद लेकर शेरा के लिए। इस बार अच्छी गेंदबाजी। खिलाड़ी नाजिम गुल्ली वहां पर मौजूद। फील्ड किया, थ्रो किया, इस बीच दो रन हासिल किए। इन दो रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 38 रन। तो यह मुकाबला झुकता हुआ मॉडर्न शिरगांव की तरफ। एक गेंदे 9 रन। एक गेंदे 9 रन। वकास तैयार आखिरी गेंद यूनिटी कप 2021 की। एक गेंदे 9 रन। स्ट्राइक पर है शेरा। वकास तैयार और यह मुकाबला जीत लिया है मॉडर्न ग्रुप शिरगांव ने। बहुत अच्छा टूर्नामेंट आपको देखने को मिला यूनिटी शिरगांव की ओर से। मैं तमाम यूनिटी शिरगांव के खिलाड़ियों और मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहां पर आ जाएं।